हो सकता है नहीं भी हो सकता नहीं भी हो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट या रिलेशन ऑफ द प्लैनेट यदि किसी वजह से उनका रिलेशन है कारक ग्रह के साथ महादेशा लॉर्ड के साथ रिलेशन है तो वो संबंध से वो कष्ट दे देगा और संबंध नहीं है उन दोनों का तो कष्ट नहीं आएगा न्यूट्रल होकर बीत जाएगी तो उनका संबंध होना बहुत जरूरी है। हाँ खराब ग्रह की दशा में फंक्शनल मैलिफिक की अंतर महादशा में यदि साधारण से मार्केश ग्रह की भी या मार्क की लिस्ट में जो आए हुए हैं उनकी अंतरदशा आ जाए तो मृत्यु या मृत्यु ऐसा कष्ट आ सकता है वो इनएविटेबल है। मैलिफिशियंस की बात कर रहे हैं हमने बाधक की भी आपसे बात करी इस पे थोड़ा सा आप हमें इलैबोरेट करके बताइए कि बाधकेश स्थान हमें बताए हैं आपने बताया कि बाधकेश जब तक आठवें से संबंध नहीं बनाएगा वो बाधकेश नहीं होगा इट विल बी अ पेपर टाइगर। क्या बाधक स्थान में पॉजिटिव ग्रह जो है स्थित ग्रह क्या वो भी बाधक की क्वालिटीज कैरी करता है या उसके लिए भी लागू है कि एट्थ के साथ संबंध बनना चाहिए। बाधक स्थान का जिक्र क्या बाधक स्थान पति का जिक्र पाराशर्य ने नहीं किया। अच्छा बाधकेश शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया पाराशर्य चाहते ये हमारे मतलब बोली में आ गया। हाँ तो बाधक स्थान का तो बाधक स्थान तो बाधक स्थान का जो लॉर्ड है जी केवल उसका विचार करना है ग्रह का बाधक स्थान में बैठे हुए ग्रह का विचार करना है या नहीं करना ये संभावना पर डिपेंड करता है या सर्कमस्टांस पर डिपेंड करता है। ग्यारहवां घर चल राशियों में बाधक हो जाता है तो बाधक स्थान से संबंध बना उस ग्रह का जो ग्यारहवें घर में बैठा हुआ है तो वो सप्लीमेंट्री या सेकेंडरी बाधक हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यदि वो बाधक स्थान का पति हो करके लेकिन बाधकेश का प्रयोग किया उन्होंने बाधकेश का बाधक स्थान का तो बाधक स्थान का पति हो गया माना मेष लग्न में हो गया शनि और वो शनि अष्टम स्थान में बैठ गया। दूसरे तरीके से देखते हैं तो अष्टम में बैठा हुआ शनि आयुष्य का कारक होता है आयु को स्टेबिलिटी देता है मार्केश को या मृत्यु को थोड़ा दूर भगाता है पोस्टपोन करता रहता है और अष्टम में बैठ करके शनि आयु बढ़ाता है प्रोटेक्ट करता है जी। और उधर बाधक होने की वजह से उसमें बाधकत्व भी आ गया बाधकेश होकर के अष्टम से संबंध भी बन गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि शनि की दशा अंतर दशा जब आएगी तो उस समय को कष्ट होगा और मृत्यु आठ प्रकार की होती है जी। उसका जिक्र मैंने पंचाध्याय में मार्ग अध्याय के एंड में किया हुआ है और वो शास्त्रोक्त है किसी की कपोल कल्पना नहीं है ज्योतिष में या किसी भी फील्ड में कपोल कल्पना के लिए या मन मर्जी के सिद्धांत बनाने का कोई जगह नहीं होती। लज्जा इतने ज्यादा शर्मिंदगी हो जाए व्यक्ति को मृत्यु होती है कि व्यक्ति मुंह ना दिखा सके फोटो खिंचवाते समय हेडलाइन में लोगों की पिक्चर आती है वो पकड़े गए बड़े बड़े सेलिब्रिटी वो कपड़ा ढक करके वो जा रहे होते हैं कोर्ट में या अखबार में हेडलाइन उनकी जब छपती है तो अतिशय लज्जा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी उतर गई हो उनका क्या करेगा कोई उनको फिर तकलीफ कुछ नहीं होती वो जेल रह जाते तो और चौड़े होकर के आ जाते। अतिशय लज्जा अतिशय निंदा बहुत बदनामी हो जाए लोग सुसाइड कर लेते हैं इससे अच्छा तो मरना ही बेहतर है। और कोई बहुत बड़ा रोग हो जाए बहुत बड़ी हानि बिजनेस लाखों करोड़ों का था डूब गए सड़क पर आ गए वो मृत्यु है। और बहुत ज्यादा अपमान वो मृत्यु है। जैसे कहते हैं ना कि बहादुर आदमी जिंदगी में एक ही बार मरता है कायर आदमी हर रोज मरता है तो हर रोज मरण घर में सम्मान ना हो घर के मेंबर्स आपको वो ना करते हो बाहर आप सीना तान के निकले बेचारा निकलने की मजबूरी है लेकिन घर वाले लोग तो आपको कुछ नहीं समझते। काम की जगह पर आपको रेपुटेशन ठीक ना हो आपको ठीक से ऑनर रिस्पेक्ट ना मिलती हो वो मृत्यु है और लेकिन मजबूरी है आपकी काम करना तो जूते खा खा करके काम करना पड़ता है जूते खा खा करके जान जीना पड़ता है वो भी मृत्यु है वो पल पल की मृत्यु है। तो इस तरीके से मृत्यु के आठ प्रकार बताए गए हैं तो उस प्रकार की कोई मृत्यु आ सकती है दोनों। और बड़ा कोई ऐसा रोग हो गया कि जो असाध्य है या दुस्साध्य है जिसको बहुत मुश्किल से ठीक होगा या ठीक नहीं हो पाएगा तो ऐसा कोई रोग आ गया ऐसा कोई कष्ट आ गया दुर्घटना आ गई कोई हाथ पैर कट गया उसमें या कोई ऐसी चोट हो गई कि मर के वापस आ गए यमराज का दरवाजा यमराज कॉल बेल बजा रहे थे लेकिन बेचारे लौट गए किसी वजह से दरवाजा ना खुलने की वजह से उन्हें समझ नहीं आई कि शायद ये लॉक लगा हुआ है इस घर का घर के अंदर कोई नहीं है वो चले जाते हैं वापस। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है तो ये सब मृत्यु के प्रकार है। तो शनि ऐसी स्थिति में क्या करेगा तो बताइए वो बाधकेश भी है अष्टम स्थान से संबंधित भी हो गया
उधर आयु का कारक भी है, तो इतने सारी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाने की वजह से, कॉन्ट्रडिक्टरी इफेक्ट एक ही प्लांट को मिल जाने की वजह से वो क्या करेगा, सारे रिजल्ट देगा। जब सारे रिजल्ट देने के लिए आएगा तो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। जिस समय एक अकेला आदमी 50 काम कर रहा हो, चपरासी भी वही हो, क्लर्क भी वही है, सेक्रेटरी भी वही है, बॉस भी वही है, इनफैक्ट वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाता, किसी भी काम को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, तो इसलिए वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अच्छा। तो बाधकेश होने के बावजूद भी मारक स्थान बैठ के बाधकेश हो गए तो बाधक का बचा कहाँ? तो इस तरीके की बातों को भी विचार में रखना है ना, तभी तो हम बता पाएंगे कि बाधक है कि नहीं है। ये एग्जाम्पल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं समझने में। अच्छा, चर्चा में आपने अवस्थाओं का जिक्र करा था, तो अवस्थाओं पे भी प्रश्न आया है कि इतनी अवस्था बाल आदि है, दीप्त आदि, रजत आदि, कई अवस्थाएं बताई गई हैं बृहदप्राशर होरा शास्त्र में, तो क्या एक को देखें, सारों को देखें, और उनका एप्लीकेशन क्या है? एक बाल आदि अवस्था है तो उससे हम एनालिसिस क्या करें, लज्जित आदि से क्या एनालिसिस करें, जागृत आदि अवस्थाओं से क्या एनालिसिस, तो जो अन्य प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं वो उनकी एप्लीकेशन किस तरह से एनालिसिस में लाई जाए? जब हम पढ़ा करते थे उस समय हमें केवल मूलवाणी याद करने पड़ते थे जी, जोड़ घटा गुणा भाग हम दिमाग से अपने हाथ से मूलवाणी करते थे। जब कैलकुलेटर आ गया तो लोगों के हाथ में कैलकुलेटर आ गया और वो उसको पसंद करने लगे। अब हालत ये हो गई है कि कई बार कई सारी चीज़ों का वो सम जोड़ने के लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे ब्रेन ने वो काम करना बंद कर दिया, हमें प्रैक्टिस नहीं ली। जब तक कंप्यूटर प्रोग्राम्स नहीं आए थे तब तक उसी तरीके से व्यक्ति विचार करता था, अपने आप व्यक्तिगत तौर पर गणना करके उसको गणना आती थी। अब जरूरत नहीं है, अरे इसे माउस क्लिक कवे सिंपली काहे को टेंशन लेना है यार, तो ये एटीट्यूड पैदा हो गया है। तो उसी के तरीके से अवस्थाओं में भी ये बात आई। वराह मीर ने एक जगह कहा, मैं इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ, वराह मीर ने अपनी पुस्तक को बृहद जातक को लिखने के बाद अब से 1500 साल पहले लगभग लास्ट में ये लिखा, इस पुस्तक के बहुत ज्यादा हाथों से, उस जमाने में हस्तलिखित कॉपियां होती थी, लोग प्रिंट तो मीडिया तो प्रिंट तो था नहीं, प्रेस तो थी नहीं, तो अपनी अपनी कॉपी तैयार करके अपने हाथ से लिख के रखते थे। इस मूल पुस्तक के सैकड़ों हजारों हाथों में जाने से यदि इसका कोई पन्ना खराब हो जाए, कोई श्लोक की कोई लाइन पंक्ति कोई अक्षर टूट जाए, इसके लिए मैं लिख रहा हूं कि इस पुस्तक में 525 श्लोक हैं, लेकिन जो आज बृहद जातक के संस्करण मिलते हैं उसमें 527 श्लोक हैं, दो गुणा या 427 है, 425 525 मुझे कंफ्यूजन ठीक से याद नहीं आ रहा, या तो 425 हैं या 525 है, बराबर ने कहा, लेकिन दो श्लोक फालतू मिलते हैं, दो श्लोक फालतू मिलते हैं, वो कहां से आए? किसी टीकाकार का ध्यान नहीं गया उस तरफ। अरे बाद में उसने अपना बेचारे ने अपना अपनी शान बघाई बघारी होगी, उसको क्या कहना है, इसमें कोई हिस्टोरिकल सिद्धांत तो बताया नहीं है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल पॉइंट है। वो जो दो श्लोक हैं वो ग्रह मैत्री के प्रसंग में आए हुए हैं और वो दो श्लोक क्षेपक हैं। वो क्षेपक कहाँ से लिए? माना मैं अपनी अपनी सुविधा के लिए अपनी कॉपी लिख रहा था जी। मैंने ब्रैकेट में नोट्स वराह मीर के लघु जातक से, अच्छा, बृहद जातक का भी एक छोटा संस्करण उन्होंने कहा था, लघु जातक उन्होंने, अच्छा, लघु जातक में वो दो श्लोक थे, उसमें क्लियर कट शत्रु मंद से तो समस्त शशिया मित्राणि शेषारवे कैलकुलेट करके ग्रह मैत्री बता दी थी। शत्रु मंद से तो सूर्य के शत्रु है मंद और सित, शुक्र शनि सूर्य के शत्रु है, समस्त शशिजा बुध उसका न्यूट्रल है, मित्राणि शेषारवे बाकी जो ग्रह है वो मित्र है, इस तरीके से हर एक ग्रह का डिसाइड करके बता दिया था। वहां केवल फार्मूला बताया था बृहद जातक में। तो मैंने कॉपी लिखने अपने लिए कॉपी बनाते समय अपनी सुविधा के लिए अपनी फैसिलिटी के लिए मैंने ब्रैकेट में लघु जातक के वो दो श्लोक वहां ऐड कर दिए। बाद में किताब छापने वालों के दिमाग में नहीं आया, अकल पे पत्थर पड़े हुए थे, वो दो श्लोक उसमें एजिटेड बरामीर का ही बृहद जातक का ही अंश मान करके छापते चले गए और मक्खी पर मक्खी मरती चली गई। 427 श्लोक बन गए, कहाँ से बन गए भाई?
अरे है वो ओरिजिनली गलत नहीं है, छेपक नहीं है। तो यही स्थिति बृहद पाराशर में भी है। अच्छा, बृहद पाराशर का 1956 से पहले इस हिंदुस्तान में कोई भी संस्करण अवेलेबल नहीं था। 1956 से पहले जी कुछ पब्लिश नहीं था, कोई पब्लिश नहीं था, सारे हैंड रिटन थे। सीताराम झा का सबसे पहला संस्करण है जो पब्लिश है। अच्छा, उन्होंने रिसर्च करके जगह जगह ढूंढ करके मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढ डाल करके उन्होंने वो टेक्स्ट तैयार किया था। बहुत सारे टेक्स्ट वो पाराशर के श्लोक दूसरी किताबों में मिलते हैं, इसलिए हम एग्जैक्टली आंख मूंद करके सोले आना पावृत्ति ये टका नहीं कह सकते कि बृहद जातक बृहद पाराशर के हर एक श्लोक ओरिजिनल बृहद पाराशर जी के। यही ये बात हमें कहाँ मालूम होती है, अवस्था वाले में जी। अवस्था वाले में सबसे पहले उन्होंने कहा जागृत अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्त या कुमार युवा वृद्ध बाल, बाल वृद्ध बाल युवा बाल कुमार युवा वृद्ध और मृत, इस तरीके की अवस्थाएं बता दी। पाराशर जी को क्या समझ नहीं आ रही थी ये बात, जब जो स्वभाव राशियों में हम मृत अवस्था बोलेंगे तो उस समय वर्गोत्सव नवांश में होगा क्या, उधर तो आप कहते हैं कि शुभम वर्गोत्सव ही जन्म और उधर आप खुद कह रहे हैं कि उम्र समस्या में आ गया। या पर मोच में बृहस्पति और चंद्र जो है वो मृत में तो क्या पाराशर जी को ये बात समझ नहीं आ रही थी, ये क्षेपक है। वास्तव में जो बाल वृद्ध मृत अवस्था होती है ये स्वर शास्त्र से उठा करके किसी ने श्लोक उसके अंदर घुसेड़े हैं। स्वर शास्त्र के श्लोक है जो बाल वृद्ध मृत अवस्था है, जिसको आज कैलकुलेटर का और कंप्यूटर प्रोग्राम का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था कि सबसे आसान है इनको कैलकुलेट करना जी, जानना लोगों को बड़ा अच्छा लगा, ये तो बड़ा यही है। साबुन घिसने के बजाय हम सर्फ पाउडर इस्तेमाल करने लगे क्योंकि हमें कपड़े धोने में आसानी होती है, कौन उसको भट्टी घिसेगा वहां बैठ करके। तो ठीक उसी तरीके से ये स्थिति बनी, वहां क्लियर कट लिखा हुआ है उदयात्रिदिनम यावत, जब कोई ग्रह अस्त होने के बाद हेलिकल सेटिंग के बाद उदय होता है उसे 3 दिन तक बाल होता है, बाल अवस्था तब होती है। अस्त होने के बाद उदित होने के 3 दिन बाद, अस्त होने से 3 दिन पहले वृद्ध है। अच्छा, वृद्ध और अवस्था नहीं, उदय हुए जब बहुत टाइम बीत जाए और जब वो पूर्ण युवा पूरा बिंब उसका दिखाई पड़े, क्लियर कट दिखाई पड़े, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस सन से होगा वो उतना युवा होगा। तो इसीलिए पाराशर जी ने जगह कहा कि ग्रह पूर्णम फलम दज्जु सूर्या सप्तम के स्थिता, सूर्य से 7वें घर में जब ग्रह होता है तो अपना पूरा फल देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के ठीक सामने उसका बिंब पूरा का पूरा चमक रहा है जी। उसकी रेत पूरी की पूरी खिल रही है तब वो युवा है, और जैसे ही डिक्लाइन फ्रॉम द मन की क्वालिटी करता है उसके बाद सन की तरह बढ़ता जाता है, जैसे जैसे क्लोज टू क्लोजर टू सन होता चला जाता है वैसे ही वैसे वो वृद्ध होता जाता है, लेकिन वृद्ध नहीं होता, प्रौढ़ हो जाता है, ढल जाती है उसकी जवानी। और जब सूर्य के पास पहुंच जाता है बिल्कुल सूर्य की रेंज में छुपने ही वाला होता है वो 3 दिन होते हैं अस्त होने से, एग्जैक्टली अस्त होने से, एग्जैक्टली कम्बस्ट होने से 3 दिन पहले वृद्ध है, उसके बाद मृत हो गया। अस्त और मृत एक ही अवस्था है, अस्त कहिए या मृत कहिए दोनों सिनोनिम है। तो इसलिए तब अस्त हो जाता है तो वो मृत है, उसके बाद निकल गया तब बालक है, उसके बाद हो गया तो युवा है, उसे कुछ दिन आगे गया तो वो पूरा युवक हो गया मतलब कुमार है, उसके बाद युवा हो गया सामने, उसके बाद फिर प्रौढ़ है, उसके बाद फिर मृत है, नहीं तो वृद्ध है और उसके बाद मृत है। ये अवस्था है सूर्य से डिस्टेंस बताती है, ये बात नहीं होती। कालिदास ने लिखा अपनी जगह अपने रघुवंश में कि रघु महाराज जो पैदा हुए हैं इनके ग्रह इस तरीके के हैं, 5 ग्रह उच्च के हैं, उच्च के ग्रह भी बेकार हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं ग्रहे स्तः पंचविरुच्च संशय, इनके 5 ग्रह उच्च स्थान में हैं, असूर्य गई सबसे बाद में का असूर्य गई, सूर्य की तरफ नहीं जा रहे हैं, नॉट हेडिंग टुवर्ड द सन, इसका मतलब वो जवान है, वो अभी अपनी जवानी के पीक प्राइम यूथ की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो ज्यादा फलदायी है, पोटेंसी उनकी मैक्सिमम है उनकी। तो वहां से बाल वृद्ध युवा मृत होता है, ये पता नहीं कहां से कहां की ईंट कहां का रोड़ा भानुमती पता नहीं कैसे कुलबा जोड़ती है। अच्छा, बाल आदि अवस्था का ये अर्थ है जी, और लज्जित आदि अवस्था लज्जित आदि अवस्था कैलकुलेशन है, उसमें नक्षत्र भी इनहेरेंट होता है, और शयन आदि अवस्था उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद स्नान आदि अवस्थाएं हैं
जो मैंने अपने पंचाध्याय में बताई है, स्नानादि अवस्थाओं का फल भी बताया है और वो फल सटीक बैठता है। अब दशाओं के दौरान दशाओं का फल अवस्था से प्रभावित होता है। जिस ग्रह की दशा आपको आई है उस ग्रह की शयनादि अवस्था को ले लीजिए, जान लीजिए, आपके पार्शियल लाइट में आती है, वो आती है बिल्कुल। उस शयनादि अवस्था का जो फल लिखा हुआ है वो कीवर्ड आपको पूरी दशा पर लागू होगा। अटल बिहारी वाजपेयी को जिस समय वो दशा आई थी, उस अवस्था वाली दशा जी, तो मैंने उसमें लिखा हुआ है उसका फल इंद्रदेवोपमो, इंद्रदेव के समान हो जाता है, किंग ऑफ गॉड्स हो जाता है, और मुकुटावाप्ति, मुकुट मिलता है, क्राउनिंग हो जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो हम खोल लेते हैं चार्ट उनका, तो एक बार देख लेते हैं। खोल लीजिए पंचाध्याय में, देखिए पहले वो। बिल्कुल बिल्कुल निकालती हूँ। मिश्र जी, अगर आप कहें तो नरेंद्र मोदी का चार्ट लगाते हैं वृश्चिक लगन का, काफी कंट्रोवर्शियल रहा है जी। और जिस समय उनकी क्राउनिंग हुई, जब वो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बने, तो मिनिस्ट्री के लिए पांचवा भाव फिफ्थ हाउस देखा जाता है। राहु मून की उनकी दशा चल रही है, मून राहु की, मून में राहु, में राहु चल रहा था और राहु फिफ्थ हाउस में है। तो अवस्थाओं से अगर हम देखना चाहें और कंफर्म करना चाहें तो ये किस तरह से कंफर्म होगा बताइए। जिस समय नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन के मैदान में उतरे थे, उस समय इनके कई जन्म समय लोगों ने इंटरनेट पर डाले कि इनका ये जन्म समय, ये जन्म समय, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा जन्म समय है। लेकिन जन्म समय ना होने के बावजूद भी वृश्चिक लग्न पक्का है, निश्चित है कि वृश्चिक लग्न है, और महादशा भी पक्की है। महादशा उस समय चंद्रमा की थी। यदि आधा घंटा इधर उधर भी रखेंगे तो महादशा में अंतर दशा इधर उधर हो सकती है, वो भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं क्रिएट करेगी। तो चंद्रमा में राहु की दशा आप कह रहे हैं, तो उसके हिसाब से जब स्नानादि अवस्था एक होती है, 27 अवस्थाएं होती हैं, शयनादि अवस्था 12 होती हैं, स्नानादि अवस्थाएं 27 होती हैं, और 27 वाली अवस्थाएं नक्षत्र बेस धोनी की वजह से वो ज़्यादा इफेक्टिव है मोर देन द शयनादि अवस्था। 2012 नंबर उस 27 अवस्थाओं वाली स्नानादि अवस्थाएं इनकी निकालते हैं, तो उस समय हमारा विचार यही था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। वजह उसकी क्या थी कि चंद्रमा की दशा पीछे से ही चली आ रही थी, और चंद्रमा की दशा स्नानादि अवस्था के आधार पर मिष्टान्न प्राप्ति और मिष्टान्न आसन, मिष्टान्न भक्षण वाली अवस्था में थी। उसका नाम मिष्टान्न भक्षण है। मिष्टान्न भक्षण में मिठाई बटे और बांटी जाए, मिठाई बटती और बांटती तब बटी जब तभी जाती है जब कोई खुशी होती है। इसका मतलब कि चंद्रमा की दशा के फल का कीवर्ड था कि इस दशा में उनको प्रसन्नता और पद प्राप्ति कुछ न कुछ होती रहेगी, तो मुख्यमंत्री तो उठे ही जी। इसके बाद जब चंद्रमा में राहु आया तो राहु की वजह से पंचम स्थान में अकेला राहु होने की वजह से वैसे ही राज्यों का कारक हो जाता है जी। अकेला राहु यदि केंद्रीय त्रिकोण निवसेताम तमोग राहु नाथे नान्य तरेना जो भविताम योग कारक हो, यदि किसी दूसरे केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड से भी उनका संबंध बन जाए राहु का, तो राहु का जो डिस्पोजिटर है शनि, वो शनि कहाँ बैठा हुआ है, जुपिटर जुपिटर राहु का जी मीन में है। हाँ मीन में राहु का जो डिस्पोजिटर फोर्थ हाउस में, वो फोर्थ हाउस में केंद्र में है। यदि केंद्रीय त्रिकोण निवसेताम तमोग राहु, यदि राहु केतु अकेले केंद्रीय त्रिकोण में हो या उनके साथ किसी केंद्र त्रिकोण लॉर्ड का संबंध बन जाए या राहु का डिस्पोजिटर केंद्र त्रिकोण में चला जाए, तो चंद्रमा राहु भी योग का और चतुर्थेश से दृष्टि संबंध भी बना रहा है वो ठीक है। लेकिन हम अवस्था से भी देखना चाहें, पिन पॉइंट करना चाहें, तो अवस्था पिन पॉइंट कर देती दशा के इफेक्ट को। राहु में चंद्रमा की अंतर दशा थी, चंद्रमा की अंतर दशा, चंद्रमा की अवस्था स्नान आदि निकाल के देखिए, तो चंद्रमा की अवस्था थी मुकुट प्राप्ति, राहु की अवस्था मुकुट प्राप्ति। हाँ चंद्रमा में राहु, राहु की चंद्रमा की अवस्था आती है मिष्टान्न भक्षण, और वो आती है राहु की अवस्था आती है मुकुट प्राप्ति, चंद्र राहु की अवस्था आती है चंद्र मुकुट प्राप्ति। मुकुट प्राप्ति का मतलब क्राउनिंग होती है, चेहरे पर सर पर मुकुट रखा जाता है, तो क्लियर कट इंडिकेशन दशा ने और अंतर दशा ने और ज्योतिष ने दिया था कि कुछ भी हो जाए पद प्राप्ति होगी, तो जिस पद के लिए लड़ रहे हैं वो पद प्राप्ति होगी। और इस बात के लिए 2012 में कई बार मैंने कई जगह पर लेक्चर में कहा कि 2014 में भारतवर्ष में परिवर्तन की लहर शुरू होगी और वो परिवर्तन 2026 तक जाएगा।
ये बात क्लियर कट कई जगह पर कही, तब लोगों की समझ में नहीं आती कि क्या परिवर्तन की बात कर रहे हैं भाई। परिवर्तन होना है और बदलाव आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में क्या क्या बदलाव हो रहा है। बहुत सारे प्रथाएं, बहुत सारे तौर तरीके, बहुत सारे चलन प्रचलन रीति रिवाज सब बदले जा रहे हैं। तो चल बदलाव का दौर शुरू हो गया और 2026 तक रहेगा। ये स्नान आदि अवस्था आपने बताया नक्षत्र बेस्ड, नक्षत्र बेस्ड अवस्था है और ये हमें, और ये ज्यादा ऑथेंटिक है। क्लासिक्स में इसका रेफरेंस कहां पर मिलता है और इसको पंचाध्याय में तो आपने दिया हुआ? पंचाध्याय में मैंने दिया है, मेरे यहां से लिया था। मैं बता देता हूं, मेरे पास एक हैंडरिटन मैन्युस्क्रिप्ट थी। अच्छा। उसमें ये मेरे घर की उसमें पुस्तक में उपलब्ध था और उन्होंने कहां से, मेरे परदादा दादाजी ने कहां से नोट किया होगा मैं नहीं कह सकता, किसी दूसरे क्लासिक में मुझे ये नहीं मिला। लेकिन रामयत्न ओझा एक व्यक्ति हुए हैं जो बनारस यूनिवर्सिटी में ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष थे 18वीं सदी में, और उन्होंने अपनी पुस्तक में 19वीं सदी में उन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में कि विंचोत्तरी रेशा का फल अवस्थाओं के आधार पर बहुत सटीक ढंग से मिलता है, और मेरे पास ये पुस्तक है, इसमें अवस्थाओं का फल लिखा हुआ है, अवस्थाओं का निकालना लिखा हुआ है, इसमें स्नानादि अवस्थाओं का जिक्र है, लेकिन उन्होंने पुस्तक का नाम नहीं दिया। हो सकता है ऐसी किसी पुस्तक से कॉपी करके हमारे घर में उसमें रखा हो। मैंने उसमें लेकर के रेफरेंस लेकर के मैंने इसको खूब जांचा, परखा, इफेक्टिव देखा। खुद अटल बिहारी जी की कुंडली में इसको इफेक्टिव देखा। अटल बिहारी की कुंडली में जिस समय उसका मुकुट त्याग, क्रीड त्याग अवस्था आती है, जिस समय ये था कि बहुमत वो विश्वास मत मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब 13-14 दिन की सरकार रही थी, विश्वास मत मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो भाई नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रीड त्याग उस अवस्था थी। क्रीड त्याग यानी क्रीड यानी मुकुट सर पर आता है लेकिन उसका त्याग हो जाता है, तो क्रीड त्याग हो गया। तो उस समय मैंने समझ में कई जगह पर उसको चेक करके देखा, तब जाकर के मैंने अपनी पुस्तक में रखा है। मैं बिना चेक किए, बिना टेस्ट किए किसी चीज को अपनी पुस्तक में नहीं रखता।